स्टूडेंट आज हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ मेथड यानी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कोई भी ग्राफ दे रखा है आपको और उस ग्राफ को आपको यदि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना है यानी एक नोड से दूसरे नोड तक आपको उसका एक नज़दीकी रास्ता यदि आपको निकालना है तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक मैथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो देखिए वो कैसे होगा है ना तो हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ दे रखा है जैसे ये मैंने वर्टिसेस बनाया यानी वर्टेक्स जिसे अपन नोड भी कहेंगे ये हम यहाँ पर इस तरह से पाथ बना रहे हैं जैसे ये बी ए से बी है ना इनका सबका एक पर्टिकुलर जो बीच में ये एजेज है उसकी एक कोई वेटेज रखेंगे जैसे यहाँ वेटेज रख दिया टू हमने है ना इसी इसी तरह से जैसे यहाँ से बी से ये सी हो गया आपका है ना ये सी इसका एक कोई वेटेज रख दिया जैसे वन हो गया है ना ये सारे एजज के वेटेज होंगे आपके ए बी सी यहाँ पे आपने डी रखा जैसे भी आप चाहेंगे डी के बाद ये ई e हो गया आपका है ना ई के बाद यहाँ पर जैसे ये एफ़ आ गया आपका ओके इस तरह से और ये एजेज आप इस तरह से यहाँ पे उन सभी टैक्स के बीच में यानी नोड के बीच में आप कनेक्टिविटी आप ऐसे रखेंगे ओके तो इन सभी का एक वैल्यू रख देते हैं जैसे ये थ्री हो गया आपका है ना इसका वेटेज फोर हो गया है ना इसका वेटेज फाइव हो गया इसका वेटेज सिक्स हो गया रिपीट हो सकता है ना जैसे ये थ्री हो गया वापस से ओके यहाँ पे ये फोर हो गया ओके पे इस तरह से भी आप बीच में एज आप ले सकते हैं ना जैसे यहाँ पर इसका हम कर लेते हैं सिक्स हो गया ओके या आपस में इस तरह से यहाँ है इसका सेवन कर लिया तो ये सारे के सारे बीच में जो एजेज हैं उनके हमने एक वेट रख दिया एक तरह से वेटेड ग्राफ हो गया आपका है ना वेटेड कनेक्टेड ग्राफ हो गया तो अब ये जो आपका ग्राफ है है ना इस ग्राफ को एक्चुअल में किस में कन्वर्ट करना है आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री में है ना मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ना स्पैनिंग फैला हुआ ओके मिनिमम स्पैनिंग ट्री अब ये जब आप ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ मेथड के द्वारा आपको आ, कह सकते हैं नज़दीकी रास्ता मिल जाएगा हर नोड का किसी भी नोड से तक पहुंचने के लिए है ना यानी आप इन सभी के अंतर्गत जो भी ए बी सी डी ई एफ जो आपके वर्टेक्स या नोड है इनको आपस में एक दूसरे के पास पहुंचना ट्रैवल करना या सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो नज़दीक से नज़दीक रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा है ना तो वो मिनिमम से मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैथड के द्वारा मिल जाएगा तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत मेथड के अंदर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके नोड है यानी कि वर्टिसेस है नंबर ऑफ नोड कह दो वर्टिसेस कह दो जैसे यहाँ पर नोड कितने हैं नंबर ऑफ नोड ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मान लीजिए सिक्स है तो जो मर्टी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा है ना जो आपको मिलेगा यहाँ पे तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में भी क्या होगा नोड आपस में एजेस से कनेक्ट होंगे तो वो एजेस कितनी होनी चाहिए तो उसका ये फॉर्मूला हो गया एन माइनस वन या वी माइनस वन वर्टी सेज आप कहें तो तो कितना हो गया एन आपका सिक्स है तो सिक्स माइनस वन यानी एजज आपकी फ़ाइव होनी चाहिए फाइव से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यदि फाइव से ज़्यादा है तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा ओके दूसरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ध्यान रखना है कि जो नोड है आपके है ना उनके बीच में इस तरह से ऑर्डर नहीं होना चाहिए जैसे देखिए ए से बी कनेक्ट है बी से डी कनेक्ट है डी से ए कनेक्ट है साइक्लिक ऑर्डर हो गया तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर है नो no साइकिल वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोई भी साइकिल नहीं बननी चाहिए किसी नोड के बीच में तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है अब इस मेथड को हम कैसे करेंगे तो इस मेथड के लिए देखिए यहाँ पर मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो बनेगा यानी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो आप लिखेंगे तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा कैसे और शॉर्टेस्ट रूट आप कैसे निकालेंगे है ना तो वो देखिए तो सबसे पहले सिंपल सा क्या करना है जो भी एजेस का वेटेज दे रखा है उन वेटेज के अकॉर्डिंग उन पर्टिकुलर वर्टेक्स या नोड का जो पेयर है उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिखिए पहले है ना तो कैसे देखिए तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कितना है कि वन है तो बी से सी एक पेयर हो गया है ना तो यहाँ मैं लिख देता हूँ देखिए कि बी से सी एक पेयर हो गया जिसमें उनके एजेस का वेट कितना है वन ये वन वन के बाद टू कौन है ए से बी है है ना सर तो ये ए से बी ये आपका टू हो गया ठीक है ये सेकेंड आपका पेयर हो गया इस तरह से जितने भी एजेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेयर आप बनाएंगे ठीक है तो देखिए ए से बी टू हो गया अब टू और कहीं रिपीट तो नहीं है आप देख लीजिए कहीं नहीं है ना टू के बाद थ्री है तो बी से डी तो ये बी से डी है ना यहाँ पे थ्री आ गया ओके अब और देख लीजिए थ्री सी से एफ़ है आपका तो सी से एफ़ पेयर है ये भी थ्री है आपका है ना और यहाँ देखिए थ्री कहीं नहीं है नहीं है थ्री के बाद फोर देखिए ए से डी तो ए से डी ये आपका फोर है ना वेटेज है उस का ओके फोर और कहीं है ये रहा सी से एफ है ना तो सी से ये एफ ई सॉरी है ना सी नहीं है ई से एफ है आपका तो ई से एफ कितना हो गया आपका फोर हो गया ठीक है चलिए अब यहाँ देखिए और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फोर के बाद है ना फोर तो नहीं है फाइव है ये रहा सी से ई तो सी से ई है ना तो सी से ई आपका फाइव वेटेज हो गया उस एजेज का फाइव के बाद और देखिए यहाँ पर फाइव तो नहीं है नहीं है तो सिक्स देख लीजिए ये सिक्स आपका बी से ई तो नेक्स्ट आपका हो गया बी से ई है ना ये इस तरह से ये सिक्स हो गया सिक्स के बाद और कहीं देखिए सिक्स कहीं है क्या है ना तो यहाँ सिक्स ये रहा डी से ई है ना तो डी से ई ये आपका डी से ई ओके okay, ये भी सिक्स हो गया आपका और कहीं सिक्स नहीं है फाइनली देखते हैं सेवन है डी से सी तो ये टेंथ आपका डी से सी है ना ये हो गया सेवनथ आपका तो टोटल आपके कितने पेयर बन रहे दस दस पेयर किसके अकॉर्डिंग बनेंगे एजेस के अकॉर्डिंग एजेस चेक कर लो कितनी है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन और टेन ही पेयर आपको मिल रहे हैं बिल्कुल हो गया यहाँ तक अब देखिए क्या करना प्रोसीजर तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया सभी को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो उनके वेटेज के अनुसार एजिस के वेटेज के अनुसार पेयर ले लिया अब आप क्या करो वापस से उसका ट्री बनाओ यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो देखिए के बी से सी ये फर्स्ट आपने लिया बी से सी यहाँ बना दो देखो ये बी यहाँ रख देते हैं कैसे भी बना दो है ना बी से सी कनेक्ट कर लो यहाँ पे बी से सी वेटेज कितना है वन है लिख लो आप फिर ए से बी है है ना तो कहीं भी, भी आप इधर बनाओ इधर बनाओ जैसा बनाओ है ना जैसे ए से बी तो ए और ये बी तो है ये कनेक्ट कर दिया ये टू आ गया ये कनेक्ट हो फिर बी से डी देखिए बी से डी यहाँ तो ये डी इधर बना लो भले है ना ये डी ये आ गया तो बी से डी कितना है कि थ्री है है ना ध्यान रखो अभी देखिए कि आगे और अपन देखते हैं कैसे होगा सी से ऐप अब सी से ऐप करना है है ना तो आप इधर बना लो कहीं इधर भी बना सकते हैं इधर बना लो है ना कैसे भी बना दो सी से ऐप ये सी से ऐप कितना है थ्री है यहाँ पे उसके बाद ए से डी है है ना अब देखो ए से डी देखो विशेष आपकी सिचुएशन आ गई ए से डी ये ए से डी यदि मैं यूँ कनेक्ट करूंगा तो ये देखो एक साइकिल बन रहा बन रहा है और हमें यहाँ क्या चाहिए नो साइकिल तो ए से डी आप यूज़ नहीं करेंगे इसको कट कर लीजिए फिर ई e से एफ आ गया है ना तो ई e से एफ ये एफ है यहाँ पे ई e कहीं नहीं बना हुआ है आपने कोई बात नहीं आप इधर बना लो ई e, है ना ये ऐसे ई से एफ तो ये e हो गया कितना ई e से एफ ये फोर है फोर लिख लिया आपने ये हो गया फिर सी से ई e आ गया देखिए ये सी है आपका ये ई e है देखिए सी से ई e कनेक्ट करते हैं तो साइकिल बन रहा है ना तो इसको यूज़ नहीं करेंगे ऐसे को क्रॉस कर दीजिए फिर बी से ई e, तो बी से ई e कनेक्ट करो देखो ये ऐसे ऐसे बांध लो ऐसे कनेक्ट हो गया बी से ई e, तो यहाँ देखिए वापस ये देखो साइकिल बन रहा है ऐसे बी से ई e तो भी है ना तो इसको भी यूज नहीं करना है डी से ई e, डी से ई e बना लो यहाँ देखो डी से ई e कनेक्ट किया तो ये देखो वापस से साइकिलिक वे बनता है ना बनता है ना तो इसको भी यूज़ नहीं करना है फिर डी से सी ये डी से सी कनेक्ट करो देखो ये भी आपका साइक्लिक बनता है तो ये भी आप वहाँ पे नहीं बनाएंगे तो अब देखिए हो गया सारे के सारे पेयर हो गए आपके कम्प्लीटली तो यहाँ देखिए अब पेयर बनने के बाद टोटल पेयर कम्प्लीट होने के बाद देखो यहाँ पे काउंट करो नोड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यस नोड की संख्या कितनी है सिक्स है तो एजेज कितने होने चाहिए सिंपल सी बात है सिक्स माइनस वन यानी फाइव होने चाहिए देख लो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये देखिए है तो ये बन गया आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखिए इन सभी गुणों को ये यह यह यहाँ पे फॉलो कर रहा है ठीक है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहा है ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया ये देखिए जैसे यहाँ पर इनका वेटेज जो है काउंट कर लो तो आपको एक शॉर्टेस्ट रूट मिल जाएगा तो देखिए पहले कितना है टू उसके बाद कितना है वन उसके बाद क्या है थ्री किसी को भी काउंट करना है ना फिर थ्री फिर आपका कितना है फोर ये तो टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस थ्री कितना हुआ सिक्स सिक्स प्लस थ्री कितना हुआ नाइन नाइन प्लस फोर कितना हुआ थर्टीन तो थर्टीन इज द शॉर्टेस्ट रूट ठीक है तो इस मेथड के द्वारा ये शॉर्टेस्ट रूट मिल गया यानी थर्टीन स्टेप्स uh, या जो भी आपके है ना यहाँ पे कुछ भी मानो इंच मानो किलोमीटर मानो जो भी है इतना चलने पर आप सभी नोड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ओके okay? तो दिस इज शॉर्टेस्ट रूट है ना काउंट कर लो देखो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस थ्री कितना हो गया टेन टेन प्लस वन इलेवन और ट्वेल्व थर्टीन दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट ठीक है तो एक एल्गोरिथम आती है आपकी डिगज्रा एल्गोरिथम है ना तो वो भी सेम प्रोसीजर ही होता है आपका उसमें भी आप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं एक प्राइम एल्गोरिथम होती है तो ये दोनों एल्गोरिथम भी आपकी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है एक तरह से आप डिगज्रा एल्गोरिथम में भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए ए से डी तक पहुंचना है तो टोटल तो टू तो 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 से थ्री यानी कि आपको फाइव स्टेप्स चलने पड़ेंगे है ना या फाइव जो भी आपको मेजरिंग पॉइंट्स दे रखा है जैसे ए से आपको ई पे जाना है तो ए से ई पे टू प्लस वन वन है ना थ्री थ्री प्लस थ्री और ये तो टेन हो गया आपका और सारे स्टेप याद सारे के सारे नोड आपस में कनेक्ट करना तो आपको थर्टीन ओके okay, उसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल सा ये एक मेथड है आपका उस मेथड के अंतर्गत आप इस तरह से किसी ग्राफ को एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने का आ, कुछ रूल्स ध्यान रखना है कि जब भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएं किसी वेटेज कनेक्टेड ग्राफ से तो ध्यान रखना है कि एजेंस की संख्या उनकी वर्टिस यानी नोट जितने होते हैं उससे एक कम होनी चाहिए और कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए उन नोड या उन वर्टिसज के बीच में पहले ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में कर लो और फिर उसको इस तरह से जो मैंने प्रोसीजर बताया उसके अनुसार उसको फॉलो करो तो आपको मिनिमम स्पेनिंग ट्री मिल जाएगा ओके तो ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है आपका ठीक है जिसके अंदर ग्राफ जो चैप्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें ठीक है थैंक यू